दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए लेके आया हूँ Xiaomi की दो ऐसी थीम्स जिनमें आपको डायनेमिक कंट्रोल्स के साथ न्यू चार्जिंग एनिमेशन देखने को मिल जाएगी। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड बात करते हैं हमारी थीम्स के बारे में। तो बात करते हैं हमारी फर्स्ट नंबर की थीम के बारे में। तो ये वाली थीम बेसिकली iOS 16 के ऊपर बेस्ड आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो न्यू आपको वॉलपेपर मिल जाता है, बट क्रिएटिव फीचर आपको यहाँ पे आइकन पैक का देखने को मिलता है एंड कंप्लीट आइकन्स आपके सामने चेंज हो जाएंगे एंड न्यू आपको यहाँ पे एनिमेशन के साथ न्यू आपको डिजाइन देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पे आपको जो क्लॉक विजिट मिलती है इसको आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर पाओगे। सिंपल आपको यहाँ पे क्लिक करना है एंड आपके सामने कुछ ऐसा यहाँ पे एनिमेशन ओपन होगा, उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग चेंज करके देख लेना। साथ ही बात करते हैं यहाँ पे कंट्रोल सेंटर के बारे में, वो भी आपके सामने चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो न्यू आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं, न्यू आपको यहाँ पे टॉगल्स मिल जाते हैं, साथ ही कंप्लीट यहाँ पे आपके सामने बैकग्राउंड भी ब्लर हो जाता है। अगर आप अपने स्मार्टफोन को कंप्लीट iOS 16 में चेंज करना चाहते हो तो कल मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी, आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगी, चेकआउट कर सकते हो। उसको देखने के बाद आप अपने स्मार्टफोन को कंप्लीट iOS 16 में चेंज कर पाओगे। बात करें यहाँ पे नोटिफिकेशन सेंटर के बारे में, तो आपको कुछ इस टाइप का यहाँ पे व्यू मिल जाएगा। यहाँ पे आप जो स्टेटस बार देखने को मिलता है वो भी चेंज हो जाता है एंड बैटरी परसेंटेज का आइकन है वो भी आपके सामने चेंज हो जाएगा। साथ ही बात करें यहाँ पे सेटिंग वाई के बारे में, तो आप ओपन करोगे आपके सामने कुछ ऐसा यहाँ पे व्यू मिल जाएगा। यहाँ पे आपके सामने जो फॉन्ट मिलती है उसमें कुछ खास चेंज देखने को नहीं मिलता, बट यहाँ पे आपको जो टॉगल्स मिलते हैं वो आपके सामने चेंज हो जाएंगे। एंड बात करें यहाँ पे वॉल्यूम बार के बारे में, तो वॉल्यूम बार को आप जैसे ओपन करोगे आपके सामने कुछ ऐसा यहाँ पे व्यू ओपन होगा। यहाँ पे आपको जो टॉगल्स मिलते हैं वो चेंज हो जाता है एंड न्यू आपको यहाँ पे UI देखने को मिलती है। बट वॉल्यूम बार से क्रिएटिव फीचर आपको यहाँ पे डायलर कीपैड का देखने को मिल जाएगा। जैसे आप ओपन करोगे आपके सामने कंप्लीट कीपैड चेंज हो जाता है एंड यहाँ पे आपके सामने होम स्क्रीन में न्यू एनिमेशन वाला वॉलपेपर भी देखने को मिलता है। बात करते हैं यहाँ पे लास्ट फीचर के बारे में, वो इसका लॉक स्क्रीन। जैसे आप इसको ऑन करोगे आपके सामने कुछ ऐसा यहाँ पे व्यू मिल जाएगा। यहाँ पे आपके सामने न्यू कंट्रोल्स मिल जाएंगे एंड कैसे आप उनको यूज करना है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे आप ओपन करोगे आपके सामने ऐसा व्यू होगा। जैसे आप राइट साइड में स्लाइड करोगे आपके सामने कुछ टॉगल्स ओपन हो जाएंगे एंड यहाँ पे जो भी टॉगल्स है वो प्रॉपर वर्क करेंगे। एंड यहाँ पे आप जैसे स्वाइप डाउन करोगे आपके सामने कुछ और भी फीचर्स इनेबल होंगे। यहाँ पे आपके सामने दो डिफरेंट टाइप के वॉलपेपर्स मिलता है एंड एक तो आपको ऐसा मिलता है एंड सेकेंड वाला आपको यहाँ पे ऐसा देखने को मिल जाता है। साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ और भी फीचर्स आपको देखने को मिल जाता है, उनको आप अपने अकॉर्डिंग यूज करके देख लेना। साथ ही यहाँ पे आपके सामने न्यू आपको 6 डिफरेंट टाइप की फोन मिल जाती है एंड जो भी आपको सिलेक्ट करना है सिंपल उसके ऊपर टैप करना है एंड यहाँ पे चेंज हो जाएगा। इस वाली थीम को डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपल थीम स्टोर एपीके ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको ये वाला नेम सर्च करना पड़ेगा, AP18 Pro M14, एंड ये वाला नेम आप सर्च करोगे आपके सामने ये वाली थीम ओपन हो जाएगी। इसको डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड करके सेव रख सकते हो क्योंकि यार ये कॉपीराइट की वजह से रिमूव हो सकती है। यहाँ पे आप क्रिएटर का नेम देख सकते हो, साथ ही 77.7 MB की आपको ये वाली थीम मिल जाती है। अगर सेकंड नंबर की थीम के बारे में, तो आपको कुछ इस टाइप का यहाँ पे व्यू मिल जाएगा। यहाँ पे वॉलपेपर में कुछ खास चेंज देखने को नहीं मिलता एंड ये वाली जो सेकंड वाली थीम बेसिकली आपको वन UI के ऊपर बेस्ड मिलेगी एंड कंप्लीट जो भी फीचर आपको वन UI में देखने को मिलते हैं सेम आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएंगे। क्लॉक विजिट आपके सामने चेंज हो जाती है, साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हो न्यू आपको आइकन पैक देखने को मिलता है एंड कंप्लीट सिस्टम आइकन्स एंड जो थर्ड पार्टी एप्स होते हैं वो चेंज आपको मिल जाएंगे। कंट्रोल्स की बात करें तो आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप का व्यू मिल जाएगा। यहाँ पे आपके सामने वॉलपेपर ब्लर हो जाता है, साथ ही टॉगल्स की बात करें वो भी आपको यहाँ पे कंप्लीट चेंज मिल जाएंगे एंड न्यू आपको यहाँ पे डिजाइन देखने को मिल जाएगा। नोटिफिकेशन सेंटर की बात करें तो आपको कुछ इस टाइप का यहाँ पे व्यू मिलेगा। टॉप में आपको जो स्टेटस बार देखने को मिलता है वो भी आपके सामने चेंज हो जाता है एंड बैटरी परसेंटेज का आइकन है वो भी चेंज हो जाता है। साथ ही ये वाली थीम आपको डार्क मोड में इनेबल करनी है। सेटिंग वाई की बात करें तो आप ओपन करोगे आपके सामने कुछ ऐसा यहाँ पे व्यू मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो न्यू फॉन्ट मिल जाती है, साथ ही यहाँ पे आपको जो टॉगल्स मिलते हैं वो भी आपके सामने चेंज हो जाएंगे। साथ ही बात करते हैं यहाँ पे वॉल्यूम बार के बारे में, तो वॉल्यूम बार में आपको कुछ खास चेंज देखने को नहीं मिलेगा, बट वॉल्यूम बार से क्रिएटिव फीचर आपको यहाँ पे डायलर UI का देखने को मिल जाएगा। जैसे आप ओपन करोगे कंप्लीट कीपैड आपके सामने चेंज हो जाता है एंड आपके स्मार्टफोन में MIUI डायलर है तो ही चेंज होगा, गूगल डायलर को सपोर्ट नहीं करेगा। एंड बात करते हैं लास्ट फीचर के बारे में, वो इसका लॉक स्क्रीन। एंड यहाँ पे आपके सामने डिफरेंट टाइप की एक लॉक विजिट मिल जाती है, साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन में आपको कॉर्नर में एज लाइटिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है दोनों तरफ। जैसे आप राइट साइड में स्लाइड करोगे आपके सामने कुछ टॉगल्स ओपन हो जाएंगे जिनको आप अपने अकॉर्डिंग यूज करके देख सकते हो। एंड ये वाली थीम मेरे को काफी ज्यादा पसंद आई। बात करें इस थीम को आपको डाउनलोड कैसे करना है, सिंपल आपको थीम स्टोर एपीके ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको ये वाला नेम सर्च करना है iShot के नाम से एंड यहाँ पे आप देख सकते हो क्रिएटर का नेम। ये वाली थीम आपको 12.6 MB की देखने को मिल जाती है एंड ये वाला नेम सर्च कर लेना, आपके सामने थीम ओपन हो जाएगी एंड थीम को डाउनलोड करके सेव रख सकते हो क्योंकि यार कॉपीराइट की वजह से रिमूव हो सकती है। तो बस फिलहाल वीडियो में इतना, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना एंड दोनों थीम्स बहुत ही कमाल के डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हो।